पे चलन दे ऊपर दे देख ऊपर दे चलन दे हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे गांव के 5 बोर हैं जी, 2 तो बिल्कुल बंद पड़े हैं और 3 बोरों में पानी बिल्कुल कम आ रहा है। देखो आश्वासन प्रशासन तो बोल रहा है भी इसका समाधान करेंगे, हम एक्शन साहब के पास भी गए थे इस समस्या को लेके, वो बोल रहे थे कि आपके 500 बोर पास हो चुके हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पास हो गए ठीक, वो लग क्यों नहीं रहे, वो लगने जरूरी हैं। बाकी आप आज दिया ज्ञापन तो बोला है प्रशासन द्वारा, तो बोला गया भी इस समस्या का समाधान करेंगे जल्दी, ये तो साल से भी ऊपर हो गया जी। 1-4 नंबर बोर तो मेरे ख्याल 2 साल से ही ठप्पड़ है, 2 नंबर बोर में तो बिल्कुल जी पानी बजरी आ रही है उसके अंदर, बिल्कुल पानी इतना गंदा मिट्टी जैसा पानी आ रहा है और 2 बोर बिल्कुल बंद ही पड़े हैं। सर पिछले लगभग 1.5 साल से हमारे सीवन में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हम इसके बारे में सभी के पास जा चुके हैं लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। क्या समस्या, पानी की कमी की है या पानी की कमी भी है और गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है वो पीने लायक है ही नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले कहीं शिकायत की है? हाँ जी, इसके मामले हम सबको मिल चुके हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। लग जाएंगे ऐसे ट्रेनिंग को तो पिछले कह रहे हैं कि 5 बोर पास हो चुके हैं लेकिन उन पर कोई काम तो नहीं हो रहा, गंदा पानी इतना है पिया ही नहीं जा रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी कोई समाधान नहीं हो रहा है। तहसीलदार साहब से ही मिले, हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द हमें अच्छा पानी उपलब्ध करवाए। मेरा नाम बलबीर शीरा, गांव सीवन। पानी की समस्या को लेकर आज हम सब ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से हमें यही आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में आपकी जो समस्या है उसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे गांव में पानी की समस्या है उसका स्थायी समाधान निकाला जाए। ये ग्रामीण इसलिए आए हैं कि पानी की जो पेयजल की समस्या सीवन में पिछले काफ़ी दिनों से आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने बार बार शिकायत ऊपर भी पहुंचाई है, उसके बावजूद भी पानी की किल्लत का सामना इन सभी लोगों को करना पड़ा है और आज फिर इसी मांग को लेकर ये हमारे कार्यालय में आए हैं और ये मामला हमारे संज्ञान में है। पहले भी ये ऊपर तक अधिकारियों तक बात पहुंचा दी गई है, इसके बाबत एक मीटिंग आज बुलाई है DC साहब ने, SDM साहब ने, जिसमें BDPO और PHED के जो अधिकारी हैं उन सबको बुलाया गया है। शासन के द्वारा 4-5 ट्यूबवेल इसमें सीवन की टेरिटरी के अंदर लगाए गए हैं, जिसमें से जो मुझे जानकारी बताई गई है 1-2 ट्यूबवेल जो है ख़राब है, उस पर काम चल रहा है, उनको सुधरवाया जा रहा है। इसके अलावा एक नए ट्यूबवेल को भी लगाने का मतलब प्रोविज़न जो है पाइपलाइन में है। हाँ, उसी के लिए मैंने बताया कि जो स्थायी समाधान ढूंढे जा रहे हैं, पानी की जो समस्या है वो सप्लाई की नहीं है, पानी की डिलीवरी नहीं हो पा रही है ना, तो वो नहीं है। ये भी मैंने बताया, गंदे पानी की भी समस्या है, उसका भी समाधान किया जाएगा।